फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। वैश्विक बाजार में गेहूं की बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन में लड़ाई के चलते गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है। रूस और यूक्रेन गेहूं के दो बड़े सप्लायर्स हैं। सप्लाई घटने से ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमत बढ़ गई है। इधर भारत के पास गेहूं का अच्छा स्टॉक है। ऐसे में सरकार ने मौके का फायदा उठाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के कई मंत्रालय एक्सपोर्ट बढ़ाने के प्लान पर बातचीत कर रहे हैं। 16 मार्च को सेंट्रल पूल में गेहूं का 2.1 करोड़ टन का स्टॉक था। कुछ ही दिनों में गेहूं की नई फसल आने वाली है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मिस्र, तुर्की और इटली को गेहूं एक्सपोर्ट करना चाहती है। कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री 5 या ज़्यादा बंदरगाहों पर पर्याप्त स्टोरेज फैसिलिटी बना रही है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इसमें मदद के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है। सरकार उन देशों की सरकार से सीधे बात करना चाहती है जिन्हें गेहूं का निर्यात होगा। शिपिंग इंडस्ट्री को भी इस काम में मदद के लिए कहा गया है। पहले से ही भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अधिकारियों का मानना है कि अभी एक्सपोर्ट बढ़ाने की बहुत संभावना है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के दौरान भारत ने 1.7 अरब डॉलर मूल्य के गेहूं का एक्सपोर्ट किया है। एक साल पहले की समान अवधि में भारत ने 35.8 करोड़ डॉलर मूल्य के गेहूं का एक्सपोर्ट किया था। एक अधिकारी का कहना है कि हम देख रहे हैं कि गेहूं की डिमांड बढ़ रही है, हम अच्छी क्वालिटी के गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। वहीं अपीडा ने 15 सदस्यीय एक टास्क ग्रुप बनाई है। इसमें कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह टास्क फोर्स गेहूं का निर्यात बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अपीडा के मुताबिक भारत गेहूं के बड़े निर्यातक देशों में शामिल है। यह बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नाइजीरिया और जापान को गेहूं का निर्यात कर सकता है। गेहूं का आयात करने वाले देशों में मिस्र, तुर्की, चीन, इटली, अल्जीरिया, मोरक्को, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड्स और स्पेन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।